हाय गाइस, इट्स मी मौमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद मैं फिर से आ गई हूँ टिफ़िन बॉक्स रेसिपी लेके। तो आज मैं शेयर करूँगी पूरे वीक की टिफ़िन बॉक्स रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। मंडे टू फ्राइडे का 5 दिन का मज़ेदार टिफ़िन बॉक्स रेसिपीज़ है इसमें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडे के टिफ़िन बॉक्स के लिए मैंने रखा है सुपर हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस चीला। सो ये है ओट्स एंड रागी चीला। बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनानी है। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप इंस्टेंट ओट्स। तो 1 कप मैंने ले लिया है। अभी इसमें हम लोग मिलाएंगे रागी फ्लावर। रागी फ्लावर आपको ईजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो जितना मैंने ओट्स लिया है ना, लगभग उतना ही मैंने लिया है रागी फ्लावर। आप चाहे तो कप से भी मेजर कर सकते हो। और इसमें मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच सूजी, ठीक है ना? तो सूजी डालना 3 से 4 चम्मच, और अगर आप कप से मेजर करते हो तो 1/4 कप आपको डालनी है सूजी के। और फिर इसमें मैं डालूंगी घर का बना हुआ ताज़ा दही। और दही मैंने इसका ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने यूज़ किया है। और दही ज़्यादा मिलाएंगे तो टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। और फिर इसको ना मिक्स करनी है, और पानी की हेल्प हम लेंगे। पानी की हेल्प लेके इसको एक अच्छे से एक बैटर प्रिपेयर करनी है। और फिर ये बैटर को ना हम लोग 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे, ताकि सूजी जो है ना वो भी फूल जाए। तो अभी आप देख सकते हो कि ये ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है कंसिस्टेंसी में। तो अभी हम लोग इसको ना पानी मिला के कंसिस्टेंसी जो है ना वो इसको एडजस्ट करेंगे, एंड थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में रखेंगे। मतलब चीला की जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमको रखना है। और फिर इसके बाद हम लोग इसमें मिलाएंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि है नमक, और फिर ब्लैक पेपर पाउडर मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो हरी मिर्ची यूज़ कर सकते हो अगर आपका बच्चा खाते हो तो। और इसमें ना हम लोग वेजेस डालेंगे इसको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। तो मैंने डाला है प्याज और शिमला मिर्च और 1 गाजर। तो ऐसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। आप चाहे तो कोई और सब्जी अगर चाहे ना तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही डाला है। और घी में पकाइएगा। अगर आप रागी वगैरह के यूज़ कर रहे हो ना तो घी ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए। तो मैंने तवा गर्म कर लिया है और घी उसमें ग्रीस कर दिया। और फिर ये बैटर मैंने डाल के इसको ना मैंने राउंड करने की कोशिश की, थोड़ा सा फैलाने की कोशिश की, जितना हो सके उतना पतला फैलाइए और थोड़ा सा राउंड करने की कोशिश कीजिए। एंड ढक के इसको पकाना है कुछ देर के लिए। पकने के बाद आप देखोगे कि चीला जो है ना वो तवा छोड़ देगा। और उसके बाद हम लोग इस साइड में भी हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा घी। घी यूज़ कर लीजिए, वरना ये ना चीला थोड़ा सा ड्राई ड्राई बनता है। तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए और फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। और दोनों साइड से आपको अच्छे से पकानी है। थोड़ा सा क्रिस्प कीजिए। क्रिस्प करने से ही इसका जो मज़ा है ना वो आता है। ये चीला दिखने में चाहे कैसा भी हो, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। दोनों साइड से आप क्रिस्पी करके पकाइएगा, बहुत मज़ा आता है। और ये देख सकते हो, इसका क्लोज़र मैं दिखा रही हूँ। तो दिखने में चाहे जैसा भी हो, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। विहान बहुत ही मज़े से खाता है। तो ये मैं उसका टिफ़िन बॉक्स पैक कर रही हूँ। मैंने डाला है 1 चीला और ये बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग है। और साइड में मैंने रखा है 1 छोटा सा डब्बा, और इसमें मैं मिलाऊंगी हनी। तो चीला मैं जब भी सर्व करती हूँ ना, साथ में थोड़ा सा हनी सर्व करती हूँ बिना केचप वगैरह डाले, ताकि ये मतलब हनी बेटर है ना ऑप्शन, तो इसलिए मैं यही डाला करती हूँ। सो ये बन गया हमारा मंडे का टिफ़िन बॉक्स, ओट्स रागी चीला। ट्यूसडे के टिफ़िन बॉक्स में मैंने रखा है बहुत ही जल्दी एंड झटपट बनने वाला सैंडविच। तो अगर किसी भी दिन आपको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ना, तो ये सैंडविच आप बना के देखिए, मिनटों में बन जाएगा और बच्चे अच्छे से खा भी लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। बेटर होगा अगर आप होल व्हीट ब्रेड यूज़ करें। तो मैंने ले लिया है मल्टीग्रेन ब्रेड 2 स्लाइस, और मैं एक तवा गरम करके ना इस ब्रेड स्लाइसेस को मैं दोनों साइड से ना हल्का सा रोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि कच्चा ब्रेड मैं नहीं देती हूँ। तो दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लीजिएगा, बहुत ही मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का करके सेक लीजिए। और उसके बाद हमें चाहिए 1 बॉयल किया हुआ अंडा, और मैं एकदम हार्ड बॉयल किया है मैंने इसको। तो अभी क्या करनी है, इस अंडे को ना आपको ग्रेट कर लेनी है। तो पूरे अंडे को ना आपको अच्छे से ग्रेट करना होगा, और ग्रेट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर हम लोग इसमें मिलाएंगे चीज़ें। तो दी सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट इज मेयोनीज। तो मैं 2 छोटा चम्मच एक्चुअली मैंने मेयोनीज डाला है इसमें, और हल्की सी सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी, और हल्की सी ब्लैक पेपर, बस दैट्स इट।
के अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और बस इस मिक्सचर को आप ब्रेड के ऊपर डालिए, अच्छे से फैलाइए और बस एक ब्रेड के ऊपर एक ब्रेड रख दीजिए तो सैंडविचेस रेडी। बहुत ही बनाना इजी है, देखा ना आपने। और जिनके बच्चे ना एग नहीं खाते उनके बच्चे भी इजीली खा लेंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विहान को एग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक खाने में वो बहुत ज़्यादा नखरा करता है, तो अगर मैं ऐसे दे देती हूँ ना तो उसको पता भी नहीं चलता है कि ये एग है और वो खा लेता है ये सैंडविच। तो यही मेरा ट्रिक है व्यान को एग खिलाने का। तो ये बन गया हमारा सुपर क्विक एग मेयोनीज सैंडविच। और अगर आप चाहें ना तो इसके साथ थोड़ा सा केचप भी डाल सकते हो, लेकिन मैं केचप वगैरह ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, सो मैंने ऐसे ही दे दिया उसको खाने के लिए। वेनेसडे का टिफ़िन बॉक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आज के टिफ़िन बॉक्स में मैंने रखा है ग्रीन पराठा विथ ग्रीन चटनी। तो ग्रीन पराठा बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी पालक के पत्ते। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और विहान का फेवरेट भी है पालक पराठा। तो मैंने कुछ पालक के पत्ते को 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है एंड उसके बाद मैंने ना गैस के ऊपर पानी चढ़ाया है गर्म होने के लिए एंड उसमें मैं ये पालक के पत्ते जो है ना वो रखने वाली हूँ एंड 3-4 मिनट के लिए हम इसको होने देंगे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा नहीं ना कम, 3-4 मिनट के लिए बस इसको होने देना है बॉयल। और उसके बाद हम इस पालक के पत्ते को निकाल के ना इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे एंड ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंड करने वाले हैं। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा अदरक और बस इसको हम ब्लेंड करेंगे। अगर आप चाहें ना तो थोड़ा सा पानी का यूज़ आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने ले लिया है सिंपल सा गेहूं का आटा और इसमें मैं मिलाऊंगी नमक। और नमक मिलाने के बाद आप ना थोड़ा सा अजवाइन भी डालिएगा, इससे पराठे के साथ स्वाद जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। मैं अजवाइन डालना भूल गई थी। और फिर इसमें मैं मिलाऊंगी पालक के प्यूरे और पालक की प्यूरे ऐड करने के बाद ब्लेंडर में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है एंड वो पानी को घोल के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि पालक जो है ना वो बिल्कुल वेस्ट ना जाए। और अभी बिना पानी ऐड किए मैं ये आटा जो है ना वो लगाऊंगी और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक डो बना लेंगे। तो जैसा आप रोटी पराठे का आटा बनाते हो ना, डो लगाते हो, बिल्कुल वैसा ही लगानी है। थोड़ा सा सॉफ्ट करके गूंथिए तो बहुत ही अच्छा बनेगा हमारा पराठा। और आप चाहे तो इसको रेस्ट करने के लिए दे सकते हो, बट मेरे लिए उतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैं फटाफट अभी बना रही हूँ। और एक लोई ले लिया है मैंने और ऊपर से हल्का सा आटा हमने डस्ट कर लिया और इसको हम लोग बेलेंगे गोल। आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो, आपके बच्चे को जो पसंद है वैसा बेलिए। और उसके बाद नॉर्मल पराठा जैसे बनाते हैं, एक साइड से हम लोग सेकेंगे तवा गरम करके और फिर दूसरे साइड में हम लोग फ्लिप करेंगे एंड दूसरे साइड से भी हम लोग होने देंगे। जब ये थोड़ा सा हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे देसी घी। घी में ही पकाइएगा, आप चाहे तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो बट बेटर है कि आप घी ही यूज़ कीजिए बिकॉज घी में गुड फैट होता है इसलिए। और दोनों साइड में घी मिला के मैं दोनों साइड से अच्छे से सेकने वाली हूँ। ये पराठे ना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, जिनके बच्चे पालक नहीं खाते हैं ना वो इजीली पालक खा जाएंगे पराठे के स्वाद में, उनको पता भी नहीं चलेगा। और इसके साथ मैं ऐड करने वाली हूँ आंवला की चटनी और मैंने ले लिया है 2 आंवला और इसको ना ऐसे चॉप कर लिया है मैंने सीड निकाल के। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 मुट्ठी धनिया पत्ता और आप चाहे तो ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो बट व्यान को तीखा लगता है तो इसलिए मैं ब्लैक पेपर पाउडर ही यूज़ करूँगी इसमें। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, इसमें डालेंगे हम 3-4 कलियां लहसुन की। बस अब इसको हम पीसने वाले हैं। ये चटनी जो है ना वो भी रेडी है और मैं भी टिफ़िन बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो एक पराठा मैंने दे दिया है ग्रीन पराठा और साइड में मैंने दे दिया है ग्रीन चटनी। तो जनरली मैं दही सर्व करती हूँ लेकिन आज मुझे लगा कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। तो ये गया आज का टिफ़िन बॉक्स, सुपर हेल्दी सुपर न्यूट्रिशियस। थर्सडे के टिफ़िन बॉक्स में मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी वेज अप्पे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है बैटर। तो ये डोसा एंड इडली वाला जो बैटर है ना, सेम वही वाला बैटर आपको यूज़ करनी है बट थोड़ा सा थिक होने वाला है
वो पानी आप ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए। और इसमें आप तरह तरह की वेजेस मिला सकते हो, मैं मिला रही हूँ कैरेट एंड बीट रूट। तो मैंने छिलका निकाल लिया है और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और अभी मैं ना जस्ट 1-2 सेकंड के लिए मैं मिक्सी चलाने वाली हूँ और ये ना एकदम फाइनली मतलब ग्रेट होके ये बाहर निकलेंगे। अगर आप चाहें ना तो एकदम छोटे छोटे पीसेस में या फिर चॉपर में भी चॉप कर सकते हो, बट ये ट्रिक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम मेरा सेव कर देता है। तो ये देखिए एकदम छोटा छोटा पीसेस में ये चॉप करके हुए आया है। और फिर मैं तवे पे डाल रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और इसमें मैं मिला रही हूँ राई के दाने या फिर सरसों। मेरे पास करी पत्ता नहीं था, तो अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हो। और इसमें मैंने मिलाया है चने दाल और उड़द की दाल, और हल्का सा हींग हम इसमें ऐड करेंगे, और करी पत्ता भी आप अगर है ना तो इसमें ऐड कर दीजिए। और थोड़ी देर चलाने के बाद इसको बैटर के साथ मिक्स कर लीजिए, तो अप्पे का जो टेस्ट है ना वो बहुत बढ़िया आता है। और तड़के को बैटर में ऐड करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे वेजेस, जो भी वेजेस आपने रेडी किया है वो इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये गया मेरा बीट रूट एंड कैरेट, और फिर इसमें मैंने मिलाया है एक प्याज छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया हुआ। तो सबको मैं एक साथ मिलाऊंगी, साथ में मैंने डाला है नमक जो कि है स्वाद अनुसार, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहे तो ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हो। और सबको एक साथ मिलाएंगे तो इसका कलर ना चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंक। सो इसका नाम रखने वाली हूँ मैं पिंक अप्पे। और ये जो अप्पे है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, इसमें बहुत सारे वेजेस हमने ऐड किया है। और फिर अप्पे पैन को हमने गर्म कर लिया है, एंड उसके बाद ना सारे कैविटी में मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, जस्ट थोड़ा थोड़ा ही करके मैंने घी ऐड किया है, एंड सब में मैंने हल्के हल्के करके राई के दाने ऐड कर लिया है। और जब ये चटक जाए तब हम ये सारे कैविटी को मैं फुलफिल करने वाली हूँ ये अप्पे बैटर से। और सब कैविटी में ऐड करने के बाद मैं इसको ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी कि ये जो अप्पे है ना वो ऐसे फूल गए हैं, और फूलने के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, फ्लिप करके ताकि उस साइड से भी वो अच्छे से पक जाए, और कितने अच्छे लग रहे हैं ना दिखने में। और फिर से मैं कवर करूंगी, और ये देखिए हमारा अप्पे इज़ रेडी टू सर्व। तो ये बन गया हमारा वेज अप्पे और पिंक अप्पे, और इसके साथ मैं देने वाली हूँ पीनट चटनी, इसलिए मैंने पीनट को रोस्ट कर लिया है, और रोस्ट करने के बाद मैं इसका छिलका निकाल रही हूँ, और इसमें ना थोड़ा सा तड़का भी जाएगा। तो मैंने ले लिया है तवे पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और इसमें मैं मिलाऊंगी 4 कलियां लहसुन की, और फिर इसमें मैं ऐड करूंगी 1-2 हरी मिर्ची के। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप मत डालिए, बट पीनट चटनी में व्यान खा लेता है हरी मिर्ची। और इनको ना हल्का सा भूनेंगे जब तक ऐसा वाला कलर ना आ जाए तब तक। और भूनने के बाद हम मिक्सर में ना ये भी डालेंगे, और इसके साथ हम लोग डालेंगे नमक जो कि है स्वाद अनुसार। और उसके बाद इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करके आप ये चटनी जो है ना वो पीस लो। फिर ये ऐसे फाइन पेस्ट सा तैयार होगा, एंड इसके ऊपर मैंने मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड सीड का मैंने तड़का भी लगा दिया है। तो ये जो चटनी है ना बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बस इसको मिला लीजिए। और यहाँ पे मैं व्यान का टिफिन बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ थर्सडे वाला, तो मैंने दे दिया है अप्पे। अप्पे व्यान को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है अप्पे खाना। और इसके साथ मैं एक छोटा सा डब्बा रख रही हूँ, और उसमें मैं मिलाऊंगी पीनट की चटनी। तो ये गया व्यान का आज का टिफिन बॉक्स। और फ्राइडे के टिफ़िन बॉक्स के लिए मैंने रखा है बहुत ही टेस्टी एंड मज़ेदार रेसिपी, वो है साबूदाना की थाली पीठ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी है, पीनट्स को ड्राई रोस्ट करनी है, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसका छिलका जो है ना वो निकाल लेंगे, और इसको हमको दरदरा पीसनी है, याद रखिए दरदरा ही पीसनी है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करनी है। सो ये देख सकते हैं कि थोड़ी देर चलाने के बाद ये कुछ इस तरीके का है, मतलब दरदरा पिस गई है। तो अभी चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। तो साबूदाना मैंने कल रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था, और ये देखिए साबूदाना बिल्कुल फूल गया है अच्छे से। तो अभी मैं इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी उबले हुए आलू। तो सबसे पहले मैंने 1.5 आलू मैंने डाला है, बाद में मैंने और हाफ मैंने ऐड किया, तो कुल मिला के 2 उबले हुए आलू आपको चाहिए। तो वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और फिर इसमें मैंने मिलाया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहे तो हरी मिर्ची ऐड कर सकते हो, और धनिया पत्ता इज़ मस्ट, धनिया पत्ता आपको इसमें ऐड करनी है।
और उसके बाद ये जो पीसी हुई पीनट्स है ना वो आपको यहाँ पे मिक्स करनी है। और अगर आपके पास लेमन जूस है ना तो थोड़ा सा लेमन जूस भी इसमें ऐड कीजिए, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं मिलाया। और इन सबको अच्छे से मिक्स करनी है। और यहाँ पे देखिए वो हाफ आलू भी मैंने इसमें डाल दिया है और अभी इसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है ना तो थोड़ा सा पानी मिला के कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी का आपको लानी है। और जब ये रेडी हो जाए तब हाथों में पानी लगा के और ऐसा एक बड़ा सा बॉल आपको बना लेनी है। और एक बटर पेपर ले लीजिए और बटर पेपर में इसको ना चीला के शेप में फैला लीजिए, मतलब रोटी पराठा जैसे राउंड करते हो ना बिल्कुल वैसे ही फैला लेनी है। तो हाथों में पानी लगाना मस्ट है वरना ये चिपकेगा। और विदाउट बटर पेपर और इसके अलावा आप कर नहीं सकते हो। और एक उपाय है, आप डायरेक्टली तवा गरम करके तवा पे भी ये प्रोसेस कर सकते हो, उससे भी हो जाता है। लेकिन आप प्लेट में ऐसे फैला नहीं सकते, ये नहीं फैलेगा। और फिर मैंने तवा गरम कर लिया है और उसके ऊपर मैंने घी को ग्रीस कर लिया और फटाफट मैं ऐसे ही इसको डालती हूँ और फिर इजीली ये जो पेपर है ना वो निकल जाता है। और ये एक्चुअल में बटर पेपर नहीं है, एक इको बेक पेपर है। और फिर इसके इस साइड में भी मैंने घी लगा लिया और वो होल जो मैंने बनाया ना उसमें भी मैंने घी लगा लिया। घी लगा के इसको बनाइएगा वरना ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई सूखा सूखा सा लगता है। तो दोनों साइड से इसको अच्छे से पकानी है और क्रिस्पी होने तक पकानी है, वरना क्या हो जाएगा कि अंदर से ना गीला गीला रहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए, ऐसे लाल करके फ्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा और टेस्टी एंड मज़ेदार लगता है खाने में। तो ये बन गया हमारा साबूदाना की थाली पेट। तो ये मैं पैक कर रही हूँ और ये ना मतलब बहुत ही इजीली ये टूट जाता है तो सावधानी से इसको फ्लिप करना पड़ता है। तो ये मैं पैक कर रही हूँ विहान का टिफ़िन बॉक्स और इसके साथ मैं दे रही हूँ थोड़ा सा हनी। विहान को चीला के साथ हनी पसंद है जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। सो ये गया आज का फ्राइडे का टिफ़िन बॉक्स, बहुत ही टेस्टी एंड मज़ेदार रेसिपी साबूदाना थाली पेट। तो कैसा लगा आपको ये सारे रेसिपीज़? आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर हेल्पफुल रहा है ना देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।